मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं अब रोटेशनल मोशन का जो चैप्टर है वर्मा साहब की किताब रोटेशनल मैकेनिक्स, उसके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। राइट, तो जैसा कि आपको कई बार बता चुका हूँ कि मैं कि किसी प्रॉब्लम के डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के पहले आप जरूर जरूर से जो है प्रॉब्लम को एक बार पहले वर्कआउट कर लीजिए। जब एक बार वर्कआउट कर लेते हैं, उसे अटेम्प्ट ले लेते हैं, देन गो थ्रू द डिस्कशन। अदरवाइज डिस्कशन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने से आपको इतना बेनिफिट नहीं होएगा। राइट, और इससे क्या होगा कि जब आप एक बार अटेम्प्ट ले लेते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एबिलिटी है वो आपकी इंप्रूव करेगी, माइंड की एबिलिटी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को प्रॉब्लम में अप्लाई करना उसके बारे में आप सीखेंगे। राइट, तो ये बहुत जरूरी है। और हमारे चैनल पे आप जाते रहिए, वहाँ पे कई सारे वीडियो लेक्चर्स हैं जो आपके काम के लिए हैं, आपकी पढ़ाई के लिए हैं, उसका जोर से यूज कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और लोगों को हमारे वर्क के बारे में, हमारे चैनल के बारे में, हमारी साइट जो einsteinclasses.com है उसके बारे में बताते रहिए। राइट, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यहाँ पे कहा गया, बेटा ये ऑन कर देना। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि ये देख कह रहा है कि भाई कि एक बॉडी है और ये रिवॉल्यूशन कर रही है अबाउट इट्स एक्सिस। तो सपोज मैं एक इस तरह का जो बॉडी है जिसके बारे में बात करी जा रही है उसको मैं बना लेता हूं, तो आप समझिए कि यही है। राइट, तो ये जो बॉडी है वो आपकी रोटेट करे, रिवॉल्यूशन करे अबाउट इट्स एक्सिस, लेट से दिस वन इज द एक्सिस और इसके अबाउट रोटेट कर रही है विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। कहा गया यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, अल्फा इज यूनिफॉर्म। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो के इक्वल है, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे प्रॉब्लम में दे रखी है जीरो। इट रीचेज 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, समझिए बात को, ये जो है जो ओमेगा लिया है वो 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है, 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है। और हमें पता है कि 1 रिवॉल्यूशन में 2π रेडियन की कवरेज होती है, 2π रेडियन कवर करता है, इसका मतलब ये जो हो गया 100 इंटू 2π रेडियन पर सेकेंड हो गया। राइट, ये पॉइंट है यहाँ पे, तो ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई और ये एंगुलर वेलोसिटी ये 4 सेकंड में बेसिकली अचीव करता है। तो कहा गया अल्फा निकालिए, तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। हमारे पास जो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन का जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है उसका यूज करेंगे। आपके पास जो है जो जो इक्वेशन है उसमें आपका ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है, उसको एक जगह लिख लिया कीजिए और ये आप देखिए कि उनमें से कौन सा इक्वेशन बेस्ट सुटेबल है और किस बेसिस पे डिसाइड होगा, वो इस बेसिस पे डिसाइड होगा कि क्या पूछा गया है और क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है। तो हमारे पास 3 है, एक तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और ये बिल्कुल सुटेबल है। राइट, क्योंकि देखिए थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे थीटा कहा गया नहीं निकालने के लिए, यहां पे कहा गया कि भाई ये अल्फा निकालिए और यहां पे ओमेगा की वैल्यू जो है 4 सेकंड के अंदर आपकी 100 इंटू 2π रेडियन पर सेकंड अचीव किया है, इसलिए बेस्ट जो होगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होगा। यदि आप अल्फा निकालना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 प्लेस करेंगे, ओमेगा की वैल्यू 200π रेडियन पर सेकंड, अल्फा की वैल्यू निकालनी है और टी हो गया यहाँ पे 4 सेकंड, तो 4 सेकंड, तो इससे अल्फा की वैल्यू आ गई 50π रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बहुत ही आसान, बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम है और डेफिनेटली आपने ये कर भी लिया होगा, तो अल्फा विल कम आउट 50π रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। दिस वन इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस रिजिड बॉडी। अब अगले पार्ट में कह रहा है कि कितना एंगल हो जाएगा 4 सेकंड में, एंगल मतलब थीटा। अब हमारे को थीटा निकाल, अब यदि थीटा निकालना चाहते हैं तो हमारे पास 2 है, एक तो है भाई कि थीटा इक्वल टू ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, दूसरा है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अब दोनों में से जो चाहे यूज कर सकते हैं, दोनों से आ जाएगा। देखिए कैसे, थीटा से इससे भी आ जाएगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 के इक्वल है तो 0 प्लेस कर दिया, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे निकाल रखा है 50π रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये प्लेस कीजिए, टी की वैल्यू 4 सेकंड प्लेस कीजिए, तो इससे थीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी और ये जो थीटा की वैल्यू आएगा वो आपका आ जाएगा यहाँ पे हाफ 50π मैंने प्लेस कर दिया और टाइम की वैल्यू यहाँ पे 4 सेकंड है, तो इंटू 16 दिस मच ऑफ रेडियन।
इतना एंगल ये कवर करेगा। और इसको यदि आप रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए, अदरवाइज ये बिल्कुल आपका रेडियन में आ गया, ये थीटा आ गया यूजिंग द एबव फॉर्मूला। अब इससे कैसे निकलेगा, देखिए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, यहां से भी थीटा निकाला जा सकता है बशर्ते ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 है। ओमेगा जो होगा ये आप लिखेंगे 100 इंटू 2 पाई, क्योंकि ड्यूरिंग द 4 सेकंड, क्योंकि 4 सेकंड की बात ही कर रहा है, 4 सेकंड के अंदर ये 100 रिवॉल्यूशन पर सेकंड है, ये भी दे रखा है प्रॉब्लम है, इसका मतलब एट द एंड ऑफ द 4 सेकंड 100 रिवॉल्यूशन पर सेकंड है, दैट मींस 100 इनटू 2 पाई रेडियन पर सेकंड है। तो उसके दौरान जब तक कि इतनी एंगल ये कवर करता है उसमें थीटा पूछा गया है, तो इसका यूज करके भी कर सकते हैं क्योंकि टाइम इंटरवल वही 4 सेकंड के अंदर है। तो ओमेगा की वैल्यू 100 इंटू 2 पाई यहां प्लेस कर दीजिए, अल्फा की वैल्यू 50 पाई प्लेस कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, राइट। तो इसके थ्रू भी थीटा निकाला जा सकता है। तो ये तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन रोटेशनल मोशन के लिए जो कि कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए अप्लीकेबल है, वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए अप्लीकेबल नहीं है, जो कि यहां पे यूनिफॉर्म अल्फा लिखा हुआ है इसलिए मैंने इसे अप्लाई किया है, राइट। तो सबसे पहले क्या करिए, ऐसे प्रॉब्लम में तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन लिख दीजिए, एक ये वाला हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये। अब ये देखिए कि इनमें से कौन सा ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे प्रॉब्लम में, तो ये इस बात पे डिसाइड होगा कि पूछा क्या गया है। जैसे इसमें पूछा गया था भाई अल्फा, तो अल्फा आप यहां से भी निकाल सकते हैं, इनफैक्ट यहां से भी निकाल सकते हैं, इनफैक्ट यहां से भी निकाल सकते हैं, बट अब क्या है यहाँ पे कि गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, तो गिवन इन्फॉर्मेशन ओमेगा नॉट 0 है और ओमेगा दे रखा है, तो उसके हिसाब से बेस्ट जो है यही वाला होगा, इसलिए ये यूज करेंगे ये वाला ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, राइट। तो इस तरीके से प्रोसीड करना है आपको। अब इन फॉर्मूले को याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, जो आपका काइनेमेटिक्स का जो इक्वेशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ट्रांसलेटरी मोशन में, जैसे वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप उसी के कॉरस्पॉन्डिंग याद रखेंगे वी की जगह ओमेगा, भी की जगह ओमेगा, यू की जगह इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, ए की जगह अल्फा, अट्टी तो टाइम है ही तो उसे रिप्लेस कर दीजिएगा, तो और एक्स की जगह थीटा, जब उसे रिप्लेस कर दीजिएगा तो यू विल गेट द सेम इक्वेशन। ये है एनालॉजी के थ्रू आपका रोटेशन मोशन का एनालॉजी एंड आपका ट्रांसलेशन मोशन का जो एनालॉजी उसके थ्रू आप इसे ध्यान रख सकते हैं, राइट। ये वाली बात है यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने ये प्रॉब्लम को डिस्कस किया, बढ़ते आगे और अगले प्रॉब्लम के ऊपर वर्कआउट करते हैं। अब अगला प्रॉब्लम जो है फिर से यही कहा गया कि भाई एक बॉडी है रोटेटिंग यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर से यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है फिर से, राइट, कवर्स 50 रिवॉल्यूशन इन फर्स्ट 5 सेकंड, पहले 5 सेकंड में ये 50 रिवॉल्यूशन ले रखा है, मतलब थीटा जो है इसकी, ये ना कर देना कि इसको 50 को सिंपली 5 से डिवाइड कर देना, ये ना करना, इससे ये तब करेंगे यहाँ पे जो जबकि यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट रहता है, चूंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ये ना समझना कि एंगुलर वेलोसिटी जो है 10 रिवॉल्यूशन पर सेकंड है, ये तब होता यूनिटरी मेथड से कि 50 रिवॉल्यूशन 5 सेकंड में, मतलब 5 सेकंड में 50 रिवॉल्यूशन तो 1 सेकंड में 10 रिवॉल्यूशन, ये तब होता, मतलब 10 रिवॉल्यूशन पर सेकंड तब होता जब यहां पे ओमेगा कांस्टेंट होता, राइट। तो ये गलती ना करना। तो कहा गया कि यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है, 50 रिवॉल्यूशन लिए है, 5 सेकंड में लिए है, आफ्टर द स्टार्ट, स्टार्ट करने मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी फिर से 0 इस प्रॉब्लम में, राइट। और ये थीटा जो लिया है वो आपका 50 रिवॉल्यूशन है, तो ये बाकी मैं हटा देता हूं, अभी हटा देते हैं, देखते हैं। अब देखिए यहां पे ओमेगा नॉट फिर से 0 और थीटा यहां पे आपका 50 इंटू 2 पाई रेडियन है, अब कितने देर में है तो 5 सेकंड में है, राइट। अब ये आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है, पूछा गया यहां पे अल्फा, तो मैंने आपको क्या बोला था कि भाई कि जो आपको तीन इक्वेशन है, तीन इक्वेशन में कौन सा यूज करेंगे, ध्यान से देखिए यहां पे फिर से, तो थीटा वाला यूज करेंगे क्योंकि थीटा दे रखा है और अल्फा निकालना है, क्योंकि पहला वाला है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, वो यूज हो नहीं सकते क्योंकि फाइनल ओमेगा पता नहीं हमें, राइट। थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर इसलिए यूज कर सकते हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द 5 सेकंड कितना थीटा लिया है वो पता है हमें, तो अल्फा निकल जाएगा, तो हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो यहां से ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 डालेंगे, थीटा की वैल्यू हो गई आपकी 100 पाई रेडियन, हाफ अल्फा निकालना है जी, और टी की जगह पे 5 सेकंड प्लेस करेंगे तो इट विल कम आउट 25, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई सिंपली 200 पाई डिवाइड बाय 25, और 200 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो इट विल कम आउट 8 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, राइट। 8 पाई रेडियन पर सेकंड मतलब एवरी 1 सेकंड में इसकी एंगुलर वेलोसिटी 8 पाई रेडियन पर सेकंड बढ़ रही है, इसका मतलब ये, इसके यूनिट को तोड़िए, रेडियन पर सेकंड, दैट मींस रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, राइट।
तो एवरी वन सेकंड में 8 पाई रेडियन पर सेकंड की एंगुलर वेलोसिटी की बढ़ रही है। तो ये पॉइंट है, यहाँ पे कैलकुलेशन आप देख लेना ध्यान से, मेरे ख्याल से यही रहेगा। अब बाकी कैलकुलेशन का काम खुद कीजिए। अब कहा गया ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा निकालने के लिए मैं सीधा 40 पाई लिख सकता हूँ, 40 पाई रेडियन पर सेकंड, राइट, क्योंकि एवरी वन सेकंड, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, एवरी वन सेकंड पे 8 पाई रेडियन पर सेकंड बढ़ रहा है, तो 5 सेकंड में ऑब्वियस रहते 40 पाई बढ़ेगा, क्योंकि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है। अदरवाइज आप ये यूज किए, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ओमेगा निकालना है। अब ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0, अल्फा की वैल्यू 8 पाई डालिए, टी की वैल्यू 5 सेकंड डालिए, तो यहां से आ गया 40 पाई रेडियन पर सेकंड, राइट, ये है। अब कहेंगे कि क्या ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा से होगा, बताइए, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा यूज करके कर सकते हैं, सोचिए आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ओमेगा नॉट 0 है, अल्फा आपने 8 पाई निकाल रखा है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 100 पाई यहाँ पे प्लेस कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट वन सेकेंड द ओमेगा विल कम आउट 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरीके से यहाँ पे इस प्रॉब्लम को यहाँ पे वर्कआउट करेंगे। मेरे ख्याल से सारी बातें आप मेरी फॉलो कर रहे हैं कि कैसे प्रॉब्लम को वर्कआउट करेंगे, क्या अप्रोच होगा, मेन आपको अप्रोच बिल्डअप करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या अप्रोच रहेगा, उसको ध्यान से सुनिए और उसी के अकॉर्डिंग आप वर्कआउट कीजिए, राइट। तो मेरे ख्याल से सारी बातें आपको समझ में आई, तो लेक्चर को जल्दी से लाइक कीजिए, कमेंट्स लिखिए, लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताते रहिए, हमारे चैनल का, हमारे वर्क के बारे में, कि एजुकेशन चैनल है भाई आइंस्टाइन क्लासेस का, जहाँ पे आप जाके पढ़ाई कर सकते हैं, काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स आपके लिए वहाँ पे आपके काम के लिए रखा गया है, उसके बारे में बताइए। हमारा जो einsteinclasses.com का साइट है, जहाँ से आप कई सारे स्टडी मटेरियल जो है डाउनलोड कर सकते हैं पढ़ाई के लिए, उसका यूज कीजिए, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को यूज कीजिए, जो कि इरोडो वीडियो सॉल्यूशन एंड टिप्स एंड ट्रिक्स पे है। तो ये सारे जो भी हम लोगों ने वर्क कर रखा है आप लोगों के लिए, उसका जरूर से अपने लिए पढ़ाई के लिए यूज कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट कीजिए, बताइए उनको कि चैनल सब्सक्राइब कर लेने से क्या क्या फायदा हो सकता है, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन में, इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए प्रॉब्लम के ऊपर वर्कआउट करेंगे। आइंस्टाइन क्लासेस जो हमारा पूरा एक प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको कंप्लीट हेल्प करेगा जेईई मेन की तैयारी के लिए, जिसमें कि कई सारे लेक्चर्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे IIT जेईई मेन एडवांस फिजिक्स का आप देख सकते हैं कि जेईई मेन एडवांस क्रैश कोर्स, जिसमें कि अभी तक 8 चैप्टर को हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, 3-3 घंटे के लेक्चर्स हैं, राइट। इसको जरूर से आप थॉरली देखिए और इसका काफ़ी आप इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगा। फिर इसका जे एडवांस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फ्रॉम इरोडो SC वर्मा, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रॉब्लम है, इनफैक्ट NCERT के भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं इसका, जिसमें कि 73 टोटल लेक्चर्स हैं, इसका आप हेल्प लीजिए। जेई मेन एडवांस फिजिक्स ट्रिक्स का है ये लेक्चर, इसमें काफ़ी सारे 23 ट्रिक्स बताए गए हैं, जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक्स हैं, और इसका यूज करके आप जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर इरोडोव सॉल्यूशन है, जिसमें कि 43 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इरोडोव के हैं, वो हमने यहाँ पे प्लेस करा हुआ है डिफरेंट टॉपिक को लेके। फिर इसके यहाँ पे सो मोर करिएगा तो और भी आ जाएगा, SC वर्मा के मिल जाएंगे। जेईई मेन एडवांस फिजिक्स का क्रैश कोर्स है, हालांकि आपको इस क्रैश कोर्स के ऊपर वर्कआउट नहीं करना है, यहाँ पे आपको करना है। एंड देन इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये देखिए जेईई मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक्स इन फिजिक्स, इसका आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये सारे आपके वीडियो लेक्चर्स हैं जो आपको मदद करेंगे, रोटेशन रोलिंग मोशन के 12 लेक्चर्स हैं, राइट। इसका नीचे आ जाते हैं, देखिए ये मैथ्स से रिलेटेड है, अब इसका ही पूरा आप देख सकते हैं, ये सारा आपका मैथ्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको मिलेगा, जिसका आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से जेईई मेन में के लिए आपका ये सारे लेक्चर्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास हमारा जो है एक आइंस्टाइन क्लासेस का साइट भी है, जब यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके पास ये साइट ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे einsteinclasses.com का ये साइट है, जहाँ पे आप जा करके जेई मेन का से रिलेटेड स्टडी मटेरियल, देखिए यहाँ पे जेई मेन और IIT JEE 2 है, जेई मेन का आपको मैं ओपन करके बताता हूँ। इसमें देखिए अब इसमें फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री प्रीवियस क्वेश्चन पेपर टेस्ट पेपर्स ये सारे हैं, जैसे काइनेमेटिक्स का खोलिएगा, सिलेबस लिखा हुआ है काइनेमेटिक्स का। इसके बाद फिर आपका कॉन्सेप्ट्स है, ब्रीफ कॉन्सेप्ट्स लिखे गए हैं, देन इसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, राइट। देन इसके बाद फिर से एक्सेलरेशन और इंस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में बताई गई है ब्रीफली, क्या कॉन्सेप्ट है, देन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। हमारा पूरा स्टडी मटेरियल है जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, हमारी साइट पर जा करके आप इसे
डाउनलोड कीजिए और इसका हेल्प लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं। देन इसके बाद हर एक जो भी चैप्टर है उसके अंदर में हर चैप्टर को इस तरह से कॉन्सेप्ट वाइज डिवाइड कर रखा है, ब्रीफली कॉन्सेप्ट लिखी गई है, फिर उसके नीचे ही प्रॉम्प्ट्स दिए गए हैं ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। एंड देन इसके बाद आगे देखिए आप इसी तरीके से देखिए मोशन विथ कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन, फिर उसके नीचे प्रॉम्प्ट्स हैं। इस तरीके से पूरी चैप्टर को कवर अप किया गया सारे चैप्टर को। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पे इनिशियल स्टेप एक्सरसाइज है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट्स का एक्सरसाइज है जो कि आपकी जेई मेन में एडवांस में आता रहता है, राइट। ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ ये पूरा, जैसे इसमें आपके इनिशियल स्टेप में करीबन आप 15 क्वेश्चन, इसमें जो है 17 क्वेश्चन है, फिर फाइनल स्टेप एक्सरसाइज थोड़ा टफर लेवल के प्रॉब्लम जो जेई मेन में आते हैं, बट ये कंप्लीट जेई मेन को कवर अप अच्छे से करता है और इनफैक्ट जेई एडवांस की भी तैयारी आपको अच्छे से करा देगा ये पूरा स्टडी मटेरियल। फिर एआई ट्रिपल एनालिसिस मतलब जेई के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, लेकिन इसमें सारे क्वेश्चन नहीं है, ये 2007 तक हमने प्लेस कर रखा है। फिर टेस्ट योर सेल्फ, फिर 10-12 क्वेश्चन का टेस्ट आपको देना है, नीचे आंसर्स हैं। इसमें सॉल्यूशन कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, बट आपको पूरा ये एक स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जिससे कि आप हेल्प लेकर तैयारी कर सकते हैं, इसका हेल्प लेकर के। इस तरीके से हर चैप्टर का इनफैक्ट मैं आपको दिखा दूँ, देखिएगा आप यहाँ पे डायनामिक्स, रोटेशन, मोशन, इस तरह से फिजिक्स के चैप्टर हो गए, फिर मैथ्स के चैप्टर भी आपको मिल जाएंगे, फिर केमिस्ट्री के भी चैप्टर मिल जाएंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको मिलेगा, ये सारे 2014-2015 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। फिर एक्स्ट्रा टेस्ट पेपर्स हैं, ये सारे टेस्ट पेपर्स हैं जिससे ये प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है, इसका हेल्प लेकर 6 टेस्ट पेपर्स हैं जिसका है, आप घर पे फुल टेस्ट आप दे सकते हैं, ये कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। एक तो ये बात है, फिर इसके बाद इसी तरीके से हमने आप लोगों के लिए IIT JEE के लिए भी ऐसा पूरा ही स्टडी मटेरियल डेवलप कर रखा है अपने साइट पे, वहाँ पे जा करके देखिए फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट, देन फाइनल रिवीजन, तो इसका पूरा आप हेल्प ले सकते हैं सारे चैप्टर्स का। और साइट हमारी काफ़ी प्लेन साइट है, और जा करके स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कीजिए और उसका हेल्प लेकर के आप पढ़ाई कीजिए, राइट। तो ये मेरा बताने का पर्पस ये था कि आप किस तरह से हमारे साइट को और हमारे जो एजुकेशनल चैनल है यूट्यूब पे उसका यूज करके आप अपनी IIT JEE की प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को हमारे वर्क के बारे में बताइए, हमारे काम के बारे में बताइए, लोगों को मोटिवेट कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड होंगे तो उनके पास डायरेक्टली नोटिफिकेशन में आ जाएगा, उसका वो हेल्प ले सकते हैं, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले कुछ सेशन में जिसमें भी इसी तरह से हम लोग जेई मेन के ऊपर बात करते रहेंगे जो कि आपका 2019 में आपका जनवरी के महीने में होने जा रहा है, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।